भाइयों, ये दो मेरा मेल है जो अभी उड़ा टूर्नामेंट में देख सकते हैं आप, दो मेल है और एक है फीमेल। ये मेरा एक फीमेल है, आप देख लीजिए, ठीक है। अभी इसको छोड़ेंगे तो छोड़ने के टाइम भी मैं एक वीडियो दूंगा आपको, वीडियो रोक देते हैं अभी। चलो भाई, चलो 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 चलो, आप देख सकते हैं तीनों को मैंने छोड़ दिया और आप देख सकते हो तीनों उधर में गया है। 6 बज गया, पूरा 6:05 हुआ है। ये तीनों अभी उड़ना शुरू हो गया, देख लीजिए आप लोग। दादा, ये अमर तीनटा पैरा से और आज के खूब भालो लगी छे। भाई बारिश का मौसम हो गया, हल्की हल्की बूंद आने लगी, कबूतर ये उड़ रहा भाई। 12:12 हो रही है, बहुत मूड ऑफ है भाई। मौसम गर्मी का होता तो थोड़ा सा कबूतर अच्छा होता। ये देखो भाई अपने कबूतर, अभी टाइम हो रहा 2:30 है, 2:30। ये अपने भाई लोग हैं, ये चिरंजीत दादा हैं और वे उत्तम दा, और अपने भाई अपने दोस्त, ये अपने भाई, ये सेक्रेट देवजीत दा क्लब सेक्रेटरी, और ये अपने सब अपने फ्रेंड अपने भाई लोग हैं। और बस कबूतर का शौक हो रहा है, कबूतर वो जा रहा है उधर, अभी उधर पे जा रहा है कबूतर। भाइयों 3 मिनट हैं 3 बजने में और बारिश हो रही है। देखो भाइयों छतरी लगाई हुई है और आपका कबूतर ये रहे भाई। ये देखो आपके कबूतर, मौसम नहीं होगा तो भाई कबूतर बड़े अच्छे उड़ने थे, लेकिन फिर भी शुक्र है ऊपर वाले का, आप भाइयों की दुआ से अभी भी कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं सब भाई, 3 बज चुका है भाई, तो ये आपके कबूतर। कबूतर देख लो आप, 4:12 हो रही है भाई। तीनों कबूतर भाई आपके सामने में है, देख सकते सही भाई। सवा 5 बजे क्योंकि इसको टाइम है, 5:15 खाने के लिए देता है, इसलिए इसी टाइम में आ गया। अभी बैठेगा नहीं बैठेगा ये इसके ऊपर है।
अभी 5:50 होने वाली है, 10 मिनट 6 बजने में। ये हमारे सभी भाई लोग हैं, चिरंजीत दा और स्वागत दा और सुमन दा और उस्ताद उत्तम उस्ताद बोल दिया, वल्लाह क्या बोल दिया दादा, और प्रशांत दा। और यार मैं अपना नाम तो बोल दूं पहले, मैं भी हूँ। और ये देखिए बहुत प्यारा रेम्बो, आप देख सकते हैं डबल रेम्बो, ये सब रेम्बो। और रेम्बो के बीच में ये लोग, और ये अपना कबूतर अभी उड़ रहा है, आज टूर्नामेंट है, 5:50 हो रहा है, अपना कबूतर भी चल रहा है, ये भी। तो आप सभी भाई देख सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि भाई आज सब भाई मेरे लिए यहाँ जमा हुए और कबूतरबाजी का आनंद ले रहे हैं। कबूतरबाजी का इस तरह से होना भाई एक फ़ख्र की बात है, क्योंकि सब लोग कबूतर इन्जॉयमेंट करना है तो उनको भी एक मन में रहेगा कि हम भी कबूतर उड़ाएं, मेहनत करें, तो इसी तरह से सबको आगे एक मोटिवेशन रहता है कबूतरबाजी का। तो मुझे बहुत खुशी हो रही देख करके। लो भाई 6 बज गए, 6 से 6 का टाइम था, 12 घंटे कबूतर को हो गए उड़ते हुए, ठीक है, 6 से 6 का इनका टाइम था। अब इसके आगे जो ये उड़ रहे हैं भाई, ये इनकी अपनी क्वालिटी है, मेरी मेहनत 6 से 6 तक की थी। और अभी ये कितना उड़ेंगे वो अभी देख लेते हैं भाई। भाइयों कबूतर अभी उड़ रहा है, आप देख लो, 6:22 हो गई। मैं शादाब मलिक आपका दोस्त, और भाई ये आपका कबूतर भाई, आप भाइयों का कबूतर आप देख सकते हैं। कबूतर तो भाई अभी बैठने का टाइम हो गया कबूतर का, ये देख सकते हैं भाई कबूतर, ये देखिए कबूतर अभी चल रहा है अंधेरे में। भाइयों जैसा आपने देखा रात 7:45 तक कबूतर दिखे हैं, अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो एक लाइट लगानी पड़ी, जिसके चलते कबूतर घर पे बैठ नहीं पाए, साइड में पेड़ में बढ़ गए, दिखे नहीं, ढूंढा बहुत, नहीं दिखे। फिर सुबह मेरे कबूतर वापस आए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये अभी आए मेरे कबूतर, और अभी सुबह का टाइम है भाई, ये दाना खा रहे हैं, कल उड़ान में उड़े थे ये कबूतर मेरे, तो अभी बस डिस्क्वालीफाई हो गए भाई, कल कबूतर ओवर हो गए थे, तो फिर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे भाई, आप आइएगा, प्यार बना रहेगा। तो थैंक यू मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू मेरे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच। और मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा भाई, ये मैसेज है, ये हमारे मामू मुजम्मिल हैं दिल्ली से, जो कि बहुत शानदार प्लेयर्स भी हैं और अच्छे उस्ताद भी हैं, तो जैसे भी गर्मी का मौसम था तो उन्होंने मुझे ठंडा पानी कबूतरों का भेजा, क्योंकि इमरजेंसी था, यहाँ तो कोई सामान मिलता नहीं है, मैं तो बाहर शौक कर रहा हूँ प्रदेश में, तो पानी की जो क्वालिटी थी वो ऐसी थी कि कबूतर एकदम एक्टिव था उड़ने के टाइम में, कबूतर ने पूंछ पूरी खींची हुई थी और स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी कबूतर की, पूरा दिन इस तरह से उड़ा, आप वीडियो में देख रहे होंगे, बारिश भी थी और हवा भी बहुत तेज़ थी, लेकिन फिर भी कबूतर ने कोई मान नहीं किया, शाम तक कबूतर अच्छे से उड़ते रहे, 12-13 घंटे कबूतर बना करके फिर पेड़ों में घुस गए, ये सामने ऊँचे ऊँचे पेड़ हैं आप देख सकते हैं नारियल के, उसमें जाकर घुस गए, टॉर्च भी मारी लेकिन दिखे नहीं, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जज, डिस्क्वालीफाई एक्चुअली हो गए थे जज, क्या कर दिया भाई, हम भी देख रहे थे। तो मैं मामा मुजम्मिल को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा भाई, और वो बहुत अच्छे इंसान है भाई, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबके पास पानी वानी भेज रहे हैं ठंडा पानी, तो भाई इस तरह का ही शौक कराइए आगे भी, और मेरी दुआ है मामा मुजम्मिल के लिए, थैंक यू सो मच मामा मुजम्मिल।